सन 28 न्यूज चैनल पर जितना भी मेरा दर्शक है सन मेरा राम राम। आज मित्रों मैं पूछू मंडावे के अंदर और मंडावा में आज थाने वार्ड नंबर 24 के अंदर एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि वास्तव में थे थारी जिंदगी में भी चीज ने पहली बार देख रहे हो। बता देना चाहूंगा थाने में कि वार्ड नंबर 24 के अंदर एक शिव जी को मंदिर है और भी शिव जी का मंदिर के अंदर एक पारदर्शी शिवलिंग आज दिखाऊंगा। देखो कैमरामैन भाई से मेरे निवेदन है कि सबसे पहले पूरा मंदिर है वो थाने दिखाई जाए दर्शकों में। तो देखो ये जो मंदिर है ये वार्ड नंबर 24 के अंदर है मंडावा के अंदर। काफी दूर दराज से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और आने के पीछे जो कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस मंदिर में ऐसा कुछ क्या खास है जिसके लिए दूर दराज से पर्यटक इस मंदिर के अंदर आते हैं। तो अभी जो आप दर्शन देख रहे हो ये मंदिर के अंदर का जो दृश्य है और इसको आप देख रहे हो। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो पारदर्शी शिवलिंग है पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र काला ऐसा मंदिर जिसके अंदर पारदर्शी शिवलिंग की स्थापना की गई थी उस शिवलिंग को मैं आपको दिखाऊंगा। और इधर जो ये नजारा है मंदिर का अभी ये पूरा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और बताया जाता है इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है चाहे वो सरकारी नौकरी की हो चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। और शाम को समय यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि पारदर्शी शिवलिंग है उसकी भी चर्चा करेंगे और सबसे पहले अपनी मुलाकात करते हैं कि इस मंदिर के अंदर वर्तमान में जो पुजारी है पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे भी मिलेंगे। राम राम जी। राम राम जी। जी आपका नाम? मेरा नाम रमाकांत श्याम सुंदर रहेगा और हम तीन पीढ़ियों से इनकी सेवा कर रहे हैं। ये सेठ श्री अच्छा जी धानिया जी है इन मूर्ति की स्थापना कराई। जो भक्त आते हैं मंदिर में उनकी मनोकामना एकदम पूर्ण करने वाला संकल्प। तो देखो अभी आपने ये बताया कि इजा जो भी लोग आपकी मनोकामना लेके आवे है वह मनोकामना पूर्ण हुआ है। अब आपका थोड़ा सो इस मंदिर को इतिहास जानने की कोशिश करेंगा कि कदी के अंदर आज जो पारदर्शी शिवलिंग है आ रखाई गई कदी को जीर्णोद्वार कराए गए इसकी जानकारी भी आप ले सकते। तो आज जो मंदिर है वहाँ शिवलिंग कद रखाई गई ये करीब 200 साल पुराना मंदिर है। सेठ अर्चना जी धानिया थे ये जो कोई महात्मा आए थे उन्होंने ये पारदर्शी मूर्ति दे उसके बाद में ये मंदिर की स्थापना करवा दी। पहले छोटे रूप में बगीची टाइप में था अब धानिया जी के परिवार के ही उनका जीर्णोद्वार हुआ है। ये करीब 10 साल पहले इनका जीर्णोद्वार हुआ। तो जब मान लो कि शाम के टाइम में कितनी भीड़ है? शाम सवेरे ज्यादा भीड़ होती है शाम के टाइम तो कम भक्त आते हैं पर सवेरे सवेरे ज्यादा में तो 100-150 सब पूजा करने के। जब मान लो कि मंडावा के अलावा भी और दूसरी जगह से पर्यटक इजा साल के आ रहे हैं कि बा लोगों ने चीज को पता को नहीं सब एक जो शंकर भगवान के मंदिर में आते हैं वो पर्यटक एक बार आ जाता है वो दोबारा करने की दरकार नहीं अपने आप ही चल कर आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। पर्यटक सबसे ज़्यादा जो राजस्थान के या भारत के निवासी हैं वो सबसे ज़्यादा इस शिवलिंग को मानते हैं। तो देखो अभी आप मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है जो पारदर्शी शिवलिंग है जो आज तक थे कथई को देखी होगा भी मैं थाने दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ बराबर से बने रहो अभी आपका मंदिर के अंदर और जो ये शिवलिंग है वो आपको दिखाई जा रही है कि ये राजस्थान का पहला ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ पर पारदर्शी शिवलिंग है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी बंदा आता है उसकी मनोकामना है वो शंकर भगवान पूर्ण करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर के बारे में कि ये मनोकामना पूर्ण करने वाले शंकर भगवान का मंदिर है इनके नाम के साथ ये शब्द जुड़े हुए हैं। ये मंडावा के द्वारा यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कुछ लोगों के द्वारा। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हो दूर दराज से लोग इस शिवलिंग को देखने के लिए आते हैं और वार्ड नंबर 24 के अंदर मंडावा के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर काफी लोगों का घंटा लगा रहता है लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। और देखो ये जो अपनी खबर थी इस
खबर को जितने भी भाई लोग मेरे देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही मेरे वीडियो पल पल के आपको मिलते रहेंगे। हम देखते हैं बाहर की तरफ निकल रहे हैं मंदिर से, वापिस मंदिर के अंदर का जो नजारा है उससे मैं आपको रूबरू करवा चुका हूँ, और बाहर का जो कुछ नजारा है वो भी देखो, देखने लायक है। काफी पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं आप देख सकते हो, और कबूतर भी देखो यहाँ पर दाना चुग रहे हैं, तो काफी अच्छा दृश्य है। वार्ड नंबर 24 के अंदर मंडावा का ये दृश्य है। तो इसी प्रकार से पल पल की मेरी खबरें आपको मिलती रहेगी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, इसको लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।